कर दोस्तों, मैं हूं आपका भाई संजीत और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल JBK टेक्निकल। आज हम बात करने वाले हैं, अगर आप लोग किसी के पास भी अगर कॉल करते हो ना, अगर किसी के पास भी कॉल करते हो और अगर आपका मोबाइल स्क्रीन अगर जो है वो बंद हो जाता है, तो वही प्रॉब्लम के विषय में आज मैं बात करने वाला हूं कि उस प्रॉब्लम को आप लोग किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी हो रहा है, जैसे कि आप लोग अभी देख सकते हैं, मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कि अगर मैं किसी के पास कॉल करता हूं तो हमारा जो मोबाइल का स्क्रीन है ना, वो स्क्रीन ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। तो मैं इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला हूं और लाइव बताऊंगा कि आप लोग किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे YouTube चैनल पे आप लोग नए हैं तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अगर अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करें। अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो, अगर सॉल्व नहीं करना है तो हमारे वीडियो से आप लोग जा सकते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक नहीं करना, शेयर नहीं करना, सब्सक्राइब नहीं करना, कुछ नहीं करना। अगर आप लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो तो आप लोग किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, देख रहे होंगे कि मैं एक नंबर सेव करके रखा हूँ, उस नंबर पे अभी कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा ऑटोमेटिक ये जो मेरा मोबाइल का स्क्रीन है वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे कॉल पे टच कर, तो अभी हम जैसे ही अपने कॉल पे टच किए तो ऑटोमेटिक मेरा यहाँ पे स्क्रीन जो है वो ब्लैक हो चुका है। आप लोग देख सकते होंगे वीडियो में कि मेरा जो स्क्रीन है वो ऑटोमेटिक ब्लैक हो चुका है, ठीक है। तो यही प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, हमारे वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। अभी मैं आपको वीडियो में ही बताऊँगा कि आप लोग इस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जब मैं कॉल पे टच किया हूँ तो ये मेरा ऑटोमेटिक जो पूरा स्क्रीन है वो बंद हो जाता है और जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वो भी बंद हो जाता है, ठीक है। तो अभी मेरे पास कोई दूसरा फ़ोन नहीं है जो कि मैं दूसरे फ़ोन से रिकॉर्डिंग करूँ और इस फ़ोन से मैं आपको बताऊँ कि ये लाइव प्रूफ आपको दिखा सकता हूँ। तो इसके लिए मैं सॉरी, क्षमा चाहता हूँ आपसे, क्योंकि अगर मैं अभी कॉल पे टच करता हूँ तो ऑटोमेटिक हमारा ये जो है वीडियो बंद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त, सेटिंग को ओपन कर लेना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको मैनेज या फिर यहाँ पे आपको कॉल सेटिंग को ढूंढ लेना है, ठीक है। तो कॉल सेटिंग आपको किस तरह से ढूंढना है मैं वही बताने वाला हूँ आपको। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ऐप मैनेजमेंट, तो यहाँ पे आपका भी सेटिंग में इस तरह से ऐप का ऑप्शन आएगा या फिर ऐप मैनेजमेंट का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल से आपको ऐप पे टच कर लेना, ऐप मैनेजमेंट पे टच कर लेना, उसके बाद यहाँ पे ऐप लिस्ट खुल के आएगा। तो कुछ नहीं करना, ऊपर में जो ऐप लिस्ट है उसको आपको सिंपल से ओपन कर लेना है, ठीक है। लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कि ये जो वीडियो में आपको जो आपको प्रॉब्लम हो रहा है फोन में, ठीक है, कॉल करते समय, ये एकदम 100% आपका सॉल्व होगा। अगर आपका सॉल्व नहीं होता है तो अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल से कॉल का ऑप्शन आपको ढूंढ लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपना कॉल का ऑप्शन ढूंढ ले रहा हूँ, आप लोग वीडियो पे बने रहो और अगर अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मेरा कॉल का या फिर फ़ोन का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे आपको सिंपल से कुछ नहीं करना, इस पर टच कर लेना है। टच करने के बाद यहाँ पे स्टोरी आ रहा है, ठीक है, स्टोरेज, इस पर आपको टच कर लेना है। टच करने के बाद यहाँ पे क्लियर डाटा का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे आपको सिंपल से क्लियर डाटा कर लेना है, उनके बाद यहाँ से आपको बैक कर लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से सिंपल से इनको बैक कर लिया हूँ, फिर से यहाँ पे मैनेज नोटिफिकेशन का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा ये सही है, उनके बाद फिर से यहाँ फ्रंट जो कैमरा होता है ना वो आ रहा है, ठीक है। तो ये सब सारा बिल्कुल यहाँ से सही है, यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है। उनके बाद जैसे ही अगर यहाँ से आप बैक होकर कॉल करते हैं किसी के पास, तो ये आपका कोई प्रॉब्लम अब नहीं आएगा फ़ोन में, ठीक है। अगर आपका फ़ोन में ये प्रॉब्लम हो रहा है तो आप यहाँ से जाके इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे वीडियो से आप लोगों को कुछ नॉलेज मिला हो तो प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।